अचानक ऐसे? लो जी कर लो बात, अब तुम लोग तो आते नहीं है तो हमने सोचा हम ही आ जाए मिलने तुम लोगों से थोड़ा। अब यहीं खड़े रहे कि अंदर भी बुलाओगी? नहीं नहीं आइए ना अंदर आइए। अरे किसी के यहाँ शादी में आए थे सोचा भैया भाभी से भी मिलते चले हाँ। अरे सामान ले आओ अंदर बैठ जाओ भाभी अपना ही घर समझो। हाँ हाँ दीदी लाते हैं बैग। अकेले ही आई है? अरे नहीं नहीं अकेले नहीं आए हैं बेटी आई है ना हमारी मुन्ने। कोई बात नहीं बेटा तुम खेलो। हाँ बबली। हाँ हाँ जाओ खेलो। हाँ मी। अरे आराम से। सॉरी बेटा इनसे मिलो ये तुम्हारे पापा की दूर की बहन है। अरे अरे भाभी इतने भी दूर के नहीं है हम। हाँ 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 भाई नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा नमस्ते जीते रहो। बेटा जरा पानी पिलाओ बुआ जी को। हाँ हाँ हम अभी पानी लेकर आते हैं। जी जी आप बैठो हम भी जरा चाय देखते हैं। हाँ बुआ पानी। हाँ हाँ बेटा हाँ बहुत बड़ी हो गई हो पता है इतनी सी थी तुम जब हमारी शादी हुई थी। हाँ और नाच तो तुम्हारे हमेशा गंगा जमुना बहती रहती थी। अरे ऐसे दो धार चलती थी कभी कभी तो खा भी जाती थी तुम। छी अरे क्या छी। हाँ? अरे वो सब तो बचपन में करती थी अब तो बड़ी सफाई रखती है। ये लीजिए चाय पीजिए। अरे मुन्नी आओ बेटा चाय पी लो। भाभी वो चाय नहीं पीती है। अच्छा अच्छा गिरा दिया ना बोला था शैतानी नहीं करना फिर भी। मुन्नी बेटा जाओ तुम बबली दीदी के कमरे में खेल लो जाके। हाँ पर्दा लगा दो बबली। अरे भाभी बहुत शैतान है ये लड़की। अरे हमको जरा बाथरूम बता दो हम जरा होकर आते हैं। हाँ इस तरफ भेजी जी आप हो आइए। हाँ मम्मी मेरे कमरे में क्यों भेजा उसे। अरे फिर कहाँ भेजते हैं। और थोड़ी देर की बात है चले जाएंगे। हाँ जाओ देखो अब क्या तोड़ा है। भाभी घर तो अच्छा बना रखा है भैया ने एसी और लगवा लो तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। अरे हमारे घर के बच्चे तो बिना एसी के रहते ही नहीं है। हाँ हाँ जी जी बस वो बबली की पढ़ाई पूरी हो जाए उसी के लिए सेविंग कर रहे हैं अब पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। हाँ सेविंग भी जरूरी है। हाँ अरे भाभी लड़कियों के ऊपर क्या पैसे खर्च करना। हाँ कौन सा काम आकर तुमको पैसा दे देगी। हाँ अरे शादी करके दूसरे के घर ही तो जाना है। मैं तो बोलती हूँ एक अच्छा सा लड़का ढूंढो और शादी कर दो उसकी। हाँ टेंशन खत्म हो जाएगी अब मन है उसका तो पढ़ने देते हैं। वैसे बुआ जी समाज बदल रहा है आपको नहीं लगता है कि आपको अपनी सोच भी बदल लेनी चाहिए। बबली अरे मैं तो मजाक कर रही थी बुआ जी आपको बुरा तो नहीं लगा ना। नहीं 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 बेटा। अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ शाम तक वापस आ जाऊंगी ठीक है। अच्छा बेटा ठीक है आ जाना टाइम से। हाँ बाय बुआ जी। बहुत मजाकिया है लड़की। और भाभी आपको बता रहे हैं रात का खाना खाए बिना जाने नहीं देंगे हम। हाँ 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 भाभी वैसे भी 8 बजे की ट्रेन है हमारी तो रात का खाना खाकर ही जाएंगे हम। हाँ चलो ये तो अच्छी बात है। हम जरा मुन्नी को देखते हैं कहाँ गई।
अरे वाह मुन्नी, पता है ऐसे सेम टी-शर्ट ना मेरे पास भी है। अरे बेटा वो तुम्हारी ही टी-शर्ट है। अरे इसने अपने सारे कपड़े गंदे कर दिए थे तो हमने तुम्हारी पहना दी। अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगे ना तो हम बदल देंगे। हाँ मम्मी, मेरी फेवरेट टी-शर्ट थी वो। अरे कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, हाँ पहनने दो। चलो चलो, अब लेट हो जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी, हाँ फिर वापस आना पड़ेगा।
हाँ बबली बेटा, तुम जरा बुआ जी को छोड़ कर आओ, हम जरा घर समेट देते हैं, नीचे तक छोड़ आओ। हाँ चलिए, चल बेटा मुन्नी। बाय बुआ जी। बाय मुन्नी। अब दो दिन यहीं रहेंगे और तुम्हारे पास। हेलो, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ इतने सारे कैरेक्टर्स करके। और आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर पसंद आया, मतलब मुन्नी का या फिर शोना बुआ का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ओके, लाइट भी चली गई। टाटा बाय। वैसे बुआ जी, समाज बदल रहा है आपको। वैसे बबली, हाँ आवाज आ रही है। बबली आई है, ऐसी टी शर्ट तो मेरे पास भी है। अरे भाभी यार, एक तो बिना चश्मे के मेरे से आवाज नहीं। अरे भाभी थोड़ा सा घुटनों के पास ना। हाँ जीते रहो भाभी, जीते रहो भाभी को थोड़ा ना जीते रहो बोलते हैं। वो क्या है ना, इसके सारे कपड़े गंदे हो गए थे। ना, मैं खा लेती हूँ पहले। अच्छा भाभी चलते हैं।